तो अभी मुझे कौन सा वाला रोल खिलाओगे तुम? बोलो आप कौन सा खाओगे? तो ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है पहले कि भी जसप्रीत इतना ऊपर तक पहुंच गया है कि सेलिब्रिटी तक उसे मैसेज करके कॉल करने के लिए कह रहे हैं। वो तारीफ ये करते हैं कि बहुत अच्छा बनाया है, एक और मना दो और मना दो, ऐसे करते। प्लीज हो सके तो ये बच्चे को वायरल करो, इसको एक्चुअली हेल्प की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा खुद के लिए और अपनी सिस्टर के लिए स्टैंड ले रहा है। बच्चे ने कभी देखो अभी हार नहीं मानी अभी तक तो। ये सुनने में आया कि दे आर नॉट टेकिंग एनी मॉनेटरी हेल्प, सो वी थॉट ऑफ काइंड ऑफ डोनेशन, हम यहाँ पर 100 रोल्स का भंडारा करवा देंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो आज तक मैं खाली टीवी पर देखती आई हूँ, दूसरों को देखती आई हूँ मिलते जुलते, वो आज मेरा भाई मुझे भी मिला रहा है और खुद भी मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज़्यादा अच्छा कौन है, भैया बुआ? बुआ। देखो भैया के सामने बोल दिया इसे, बुआ ज़्यादा अच्छी है। क्या बोल के गई थी मम्मा लास्ट में? कुछ बोल के तो नहीं की, वो हमारे पास रहना मिला। थैंक यू एवरीवन। मैं हूं नवमी अनकट पर और अभी मैं हूं एक ऐसी जगह जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से 10 साल का एक बच्चा जसप्रीत जिसका नाम है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और अभी मैं वहीं पर हूं तिलक नगर में, वेस्ट दिल्ली में, उसके स्टॉल के सामने। एंड जैसे कि हम 10 साल की उम्र की जब बात करते हैं तो 10 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब हमें यही टेंशन रहती है कि अभी कौन सी ड्रेस लेनी है, कौन सी गेम खेलनी है। लेकिन ये 10 साल का बच्चा यहाँ पे जिम्मेदारी उठा रहा है, अपनी उठा रहा है, अपनी बहन की उठा रहा है और सुबह स्कूल जाता है और शाम को यहाँ आके जो है अपना स्टॉल चलाता है। तो आइए जानते हैं कि ये पूरी स्टोरी क्या है उनसे खुद। आपका नाम क्या है? जसप्रीत। कितने साल के हो तुम? 10 साल का। अच्छा, तो मुझे बताओ अभी जब से तुम ये अकेले संभाल रहे हो पापा के बाद से, तो क्या तुम डेली स्कूल जा पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? मैं 5th में हूँ। अच्छा, तो हमें बताओ ये सब कैसे मैनेज करते हो, ये सारा जैसे तुम काम करते हो ये सब कौन बनाता है, कौन तुम्हारी मदद करता है? बुआ। घर पे कौन कौन है? बुआ है, मेरा भाई है, ये करण है। ये तुम्हारे जो भैया, इनका नाम क्या है? गुरमुख। ये तुम्हारी मदद डेली करते हैं? हाँ जी। और तुम पहले भी आते थे पापा के साथ कि अब आना स्टार्ट किया? पापा के साथ भी आता था मैं पहले। पहले आते थे और अब जब से पापा गए तो क्या क्या तुम्हें मुश्किल जो है, तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या डिफिकल्टी है जो तुम फेस कर रहे हो? अब होता है वो तो आराम से कर लो। हाँ। तो कोई नहीं है? हाँ? कोई है तो नहीं ऐसी कोई डिफिकल्ट। और तुम्हारी जो बहन है उसका नाम क्या है, वो कितने साल की है? उसका नाम तरनप्रीत है, वो 14 साल की है। और वो तुम्हारी हेल्प करती है डेली? वो तुम और वो सेम स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, वो 3 नंबर में पढ़ती है, मैं 2 नंबर पर पढ़ता हूँ। मम्मा से बात हुई पिछले 1 महीने से जब से गई हैं? क्या बोल के गई थी मम्मा लास्ट में? कुछ बोल के तो नहीं की, वो हमारे पास रहना। तुमने फ़ोन किया था मम्मा को? नहीं। तो अभी जब से तुम डेली काम करते हो, स्कूल भी जाते हो, यहाँ पर भी आते हो, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जब से तुम वायरल हुए हो, जब से तुम्हारी वीडियोस आई है, तब से सोनू सूद जी ने तुम्हारे लिए मैसेज किया है, आनंद महिंद्रा जी ने तुम्हारे लिए मैसेज किया है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अब वो जैसे तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो क्या तुम लोगे मदद उनसे कि खुद करना चाहते हो? खुद करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या क्या बनाते हो? चिकन एग रोल बनाते हैं, पनीर एग रोल बनाते हैं। चिकन एग रोल और मटन एग रोल और वेज एग रोल, 3 चीज़ें मिलती हैं। और क्या प्राइस रहती है इसकी? इसकी प्राइस रहती है चिकन वाले की 70 रहती है और पनीर वाले की 60 रहती है, चौमिन वाले की 40 रहती है, कबाब वाले की 50 रहती है। हमेशा से लोग इतने आते थे कि अब ज़्यादा आने लगे हैं? हमेशा से लोग ज़्यादा आते थे पर वीडियो के बाद और ज़्यादा आने लगे। और तुम खुद जो रोल बनाते हो ये तुमने कब सीखा था? पापा से सीखा था मैंने। और तुम खुद खाते हो, खुद ट्राई करते हो इसको? हाँ जी। और जब लोग आते तो क्या तारीफ़ करके जाते हैं तुम्हारे खाने की, तुम्हारे रोल्स की? वो तारीफ ये करते हैं कि बहुत अच्छा बनाया है, एक और बना दो और बना दो, ऐसे करते हैं। अच्छा, ऐसे रिपीट ऑर्डर्स आते हैं? ऑनलाइन भी डिलीवर करते हो? हाँ जी करते हैं।
ठीक है। अच्छा आप बताओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? फिर काम का क्या होगा? फिर काम कौन सा पालेगा? जब तक अभी चल रहा है उसके बाद। अच्छा ठीक है, तो अभी तुम मुझे कोई रोल खिलाओगे यहाँ पे? अच्छा अभी क्या पैक हो रहा है, अभी किसके लिए पैक हो रहा है? अभी भंडारा लगा हुआ है तो भंडारे के लिए 100 रोल पैक हो रहे हैं। अभी अच्छा अभी दे दिए, आधे रहते हैं ये, 10 रहते हैं। अच्छा अभी इतने लोग तुम्हारी तारीफ करे, तुमने देखा अपना कोई वीडियो तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे हैं सब, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? तो अभी मुझे कौन सा वाला रोल खिलाओगे तुम? बोलो आप कौन सा खाओगे? मैं वेज वाला रोल खाना चाहूंगी। बुआ ज्यादा अच्छे, भैया ज्यादा अच्छे? दोनों अच्छे। नहीं ज्यादा अच्छा कोई एक तो होगा। ज्यादा अच्छा कौन है, भैया बुआ? बुआ। देखो ना भैया के सामने बोल दिया ऐसे, बुआ ज्यादा अच्छी है। फाइनली मैं अपना रोल लेकर आई हूँ, जो जसप्रीत के भाई और उसकी बहन ने मिलकर मेरे लिए बनाया है। सो दिस इज़ अ पनीर रोल, वेज पनीर रोल है। तो अभी मैंने इसका नाम तो दिल्ली का वायरल रोल रख दिया है, लेट्स सी कि ये उतना टेस्टी है भी या नहीं। नो, इट्स एक्चुअली टेस्टी, इट्स एक्चुअली गुड, पनीर एकदम फ्रेश है। तो तुम इसकी क्या क्या मदद करती हो? जो भी ये कहता है कि ये कर दे वो कर दे, मैं इसकी सब मदद करती हूँ। तुम खुद स्कूल जाती हो, सेम स्कूल में हो दोनों? हाँ जी, ये सर्वोदय बाल विद्यालय में है, मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय में। इनकी जो सिस्टर अरियल वो भी मेरे साथ ही पढ़ती है। तो अभी आपको पता है कि आपके भैया की, मतलब आपके छोटे भाई की, सोनू सूद जी ने इतनी तारीफ की, इतने सारे पॉलिटिशियंस मदद के लिए आए हैं, आनंद महिंद्रा जी ने हेल्प करने के लिए मैसेज किया है, तो इसको लेकर आपको क्या लग, मतलब आपको कैसा लग रहा है कि इतने सारे मैसेजेस आए हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो आज तक मैं खाली टीवी पर देखती आई हूँ, दूसरों को देखती आई हूँ मिलते जुलते, वो आज मेरा भाई मुझे भी मिला रहा है और खुद भी मिल रहा है। इतने बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह, सोनू सूद जी, महिंद्रा जी, सबसे मेरे को बहुत खुशी हो रही है। कच्ची गोभी, कच्ची सब्जी कोई खा सकते हो? मसाले का टेस्ट। मैं मुंबई से हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम में इनका एक वीडियो देखा था और इनके पापा एक्सपायर हो गए और इनकी मॉम के बारे में जब सुना था, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना गुस्सा भी आया था और मेरे को ऐसा लगा था छोटे बच्चों को छोड़ के कौन माँ जाती है। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है, पर मुझे नहीं पता वो कैसे चली गई, उनका कैसे इतना बड़ा दिल था कि इतने छोटे बच्चों को अकेला छोड़ के चली गई। पर हैट्स ऑफ जसप्रीत को कि इतनी कम एज में, 10 साल की उम्र में ईमानदारी से उन्होंने अपने पहले इनके पापा काम करते थे ना, आई थिंक ये उनके पापा ऑफ होने के बाद इन्होंने पूरा संभाल लिया, राइट? तो बहुत हैट्स ऑफ है ये बच्चे को, छोटी उम्र में इन्होंने इतना किया। तो गाइस जितना हो सके ये वीडियो को वायरल कीजिए और प्लीज़ जितना हो सके यहाँ पर आइए, जो भी दिल्ली में रहते हैं आसपास या दूर भी, एक बार आके प्लीज़ यहाँ पे विजिट कीजिए। सर तो आपका नाम क्या है? पंकज सहगल। सर तो मुझे पूछना है कि जैसे अभी यहाँ पे सब बता रहे हैं कि आपने 100 रोल्स का जो है ऑर्डर यहाँ पर दिया है, तो वो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे को इनके बारे में पता लगा, इनका ये सुनने में आया कि दे आर नॉट टेकिंग एनी मॉनिटरी हेल्प, सो वी थॉट ऑफ काइंड ऑफ डोनेशन, हम यहाँ पर 100 रोल्स का भंडारा करवा देंगे, सो दैट द पुअर पीपल कैन एंजॉय द फूड एंड दे कैन गेट सम नॉलेज। एंड ये आप इनको कब से जानते हैं, मतलब पहले भी आते थे यहाँ पे या अभी अभी आपको पता चला? येस्टरडे मेरे कोई ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि दैट दिस गाय इन नीड, सो आई मेट हिम एंड येस्टरडे आई थिंक इनका छुट्टी थी, तो कल मेरी इनसे बात हो गई थी, तो आज का हमारा वो था प्लान, तो बस उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन कौन आया अभी तक इसकी मदद के लिए? इसकी मदद के लिए मैम अभी तक सोनू सूद जी ने हाथ उठाया है, आनंद महिंद्रा जी ने हाथ उठाया है, और अभी जस्ट अभी अर्जुन कपूर जी का भी मुझे पता लगा है कि उन्होंने भी हाथ उठाया है हेल्प के लिए। बाकी इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन जैसे सेलिब्रिटी ने भी हमारे लिए टाइम निकाला, अपना कीमती समय हमें दिया, ट्वीट करा, कमेंट्स करे, कॉल करा, क्योंकि सोनू सूद जी का तो मुझे खुद पर्सनली मैसेज आया था, तो मैंने उन्हें कॉल करा, उनसे मेरी आज बात भी हुई है, और उसकी जसप्रीत के साथ उनकी एक वीडियो कॉल पर बात भी होगी,
और वो बहुत जल्द हमें लाइव मिलने आ रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है पहले कि भाई जसप्रीत इतना ऊपर तक पहुंच गया है कि सेलिब्रिटी तक उसे मैसेज करके कॉल करने के लिए कह रहे हैं। बाकी सब भगवान की दया है, बस ऐसे उस पर हाथ अपना बनाए रखें। बच्चे ने कभी देखो अभी हार नहीं मानी अभी तक, तो बस वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है वीडियो बनवा के, वो इरिटेट हो जाता है, बाकी आज तक उसने हार नहीं मानी। और आप इसके पहले भी यहाँ आते थे, यहाँ स्टॉल पर आते थे पहले भी जब इसके पापा हुआ करते थे, या बाद में ही आए हैं? जी मैं पहले भी इनके पापा के साथ 2 साल आया हुआ हूँ और अब मैं फिर दोबारा से इस कार्ड पर आया हूँ। सबके लिए ये कहना चाहूँगा जिस हिसाब से वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना आगे भी सपोर्ट बहुत अच्छा बनाए रखें, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी हेल्प होगी, बाकी के लिए धन्यवाद। सो गाइज मैं यहाँ पर आई जसप्रीत से मिली, जो 10 साल का वो लड़का जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ वायरल होती है, लेकिन ये जिस काम के लिए वायरल हो रहा है वो एक्चुअली में वायरल होने वाली बात है। तो जब भी हम सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं हमें अच्छा लगता है तो हम उसे ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने शो के एंड में कि दिस इज़ योर साइन टू कम हियर, लेकिन इस बार मैं कहूँगी दैट दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि अगर आप सच में इसे सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो एक बार जसप्रीत के स्टॉल पर ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहें अनकट।